What is up everybody? I hope you all are doing great. मेरा नाम है किशोर और आज मैं बात करने वाला हूँ वन पंच मैन की एक सबसे अब्सर्ड थ्योरी के बारे में। देखो इस थ्योरी को तुम पहली बार सुनोगे तो तुम सोचोगे What the fuck are you talking about, bro? कुछ भी बोल रहा है क्या? Like really, bro, मैं जो बोलने वाला हूँ ना आगे उसको सोच के तुम लोग यही बोलने वाले हो। ये जो थ्योरी है कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करती है, कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं कर पाती है। स्टोरी में कुछ चीज़ों तो ऐसी जाती है कि भाई यार सब कुछ सही तो बैठ रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होगी कि भाई ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, ये स्टोरी का पार्ट हो ही नहीं सकता। सो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि जो मैं आगे थ्योरी बोलने वाला हूं उसको एज अ जस्ट फॉर फन लेकर के चलना और अपनी राय जरूर देना कि क्या ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या। दरअसल मैं तुमको जो अभी बताने वाला हूं शायद उसमें वन पंच मैन के पास्ट को भी बताया जाए और शायद उसके आने वाले फार फ्यूचर को भी, और ये जस्ट एक अल्टरनेटिव है जो कि मेन स्टोरी लाइन के थोड़े बहुत पार्ट्स को उठाता है, उस स्टोरी को इधर उधर से मैचअप करता है और एक कॉन्सेप्ट दिखाने की कोशिश करता है आपको कि एक्चुअली क्या क्या और हो सकता है और क्या क्या हो चुका है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोगों ने वन पंच मैन के अंदर गॉड्स के बारे में तो सुना ही होगा, लाइक बहुत सारे कैरेक्टर्स और बहुत सारे यूट्यूबर्स भी गॉड्स के बारे में बात करते हैं। अब यार अगर वन पंच मैन के अंदर गॉड्स है तो एक अदर साइड भी होगी जो कि गॉड्स को अपोज करती होगी, क्योंकि तुम कोई भी माइथोलॉजी उठा करके देख लो जहाँ पर भी गॉड्स का जिक्र किया गया है वहाँ पे तुम नोटिस करोगे कि देयर इज अपोजिंग फोर्स जो कि उन लोगों को अपोज करती है हमेशा। अगर हमारी हिंदू माइथोलॉजी में ही उठा लूँ मैं तो देखो इसमें हमारा जो भगवान है उनको अपोज करते असुर्स। ओके सो देयर इज अपोजिंग फोर्स। वहीं पे सेम चीज़ होता है कि एक कॉइन के दो पहलू हो गए। अब वन पंच मैन के अंदर हमको पहला पहलू तो बता दिया कि भैया गॉड्स, अब व्हाट अबाउट द सेकंड वन, हु इज द अपोजिंग फोर्स और उसके बारे में अभी तक जिक्र क्यों नहीं किया गया है। अगर तुम लोग कई बार सोच रहे हो कि वो मॉन्स्टर एसोसिएशन हो सकती है तो मेरे कहने का अनुसार होगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, पर हाँ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो मॉन्स्टर एसोसिएशन हो। अभी थ्योरी कुछ ऐसा करती है कि यहाँ पर गॉड्स के अलावा जो अपोजिंग फोर्स है उनका नाम है इनह्यूमंस। दे आर नॉट एक्चुअली ह्यूमंस बट लुक लाइक ह्यूमंस, और ये जो इनह्यूमंस है इनके पास भी सेम लेवल ऑफ पावर है जैसे कि गॉड्स के पास में थी। जैसे कि आपको पता होगा कि कई सारे असुर्स के पास में भी गॉड जैसी पावर्स थी। सो ऐसे ही ये थ्योरी कहती है कि वन पंच के अंदर भी एक सेकंड पहलू है द डार्क साइड ऑफ गॉड्स, जिसमें कि वो इनह्यूमंस के बारे में बात करते हैं। जब यहाँ पे बात आ जाती है वन पंच मैन में साइतामा के आने से बहुत पहले, लाइक लिटरली बहुत पहले जब ये वर्ल्ड क्रिएट होने वाला था, तब उस वर्ल्ड में उस यूनिवर्स में दो फोर्सेस थी, एक थे गॉड्स और एक थे इनह्यूमंस। सबसे पहले जो गॉड्स थे वो ओमनीपोटेंट बीइंग थे जो कि बहुत कुछ कर सकते थे, वहीं पे जो इनह्यूमंस थे उनके पास भी सेम गॉड जैसी पावर्स थी, वो लोग भी ओमनीपोटेंट बीइंग थे। दोनों के पास अपोजिट पावर, सेम लेवल ऑफ पावर ऐसा होगा ही, तो जाहिर सी बात है दोनों क्लैश करेंगे। अब इन दोनों के क्लैश के चक्कर में एक्चुअली होता क्या है कि जो गॉड्स है वो पूरी तरीके से इनह्यूमंस को सरपास कर देते हैं। अब क्योंकि इनह्यूमंस जो है वो ह्यूमंस जैसे ही दिखते हैं, यानी इंसान जैसे ही दिखते हैं, तो वो इनह्यूमंस उन ह्यूमंस के बीच में जा करके घुल मिल कर रहने शुरू कर देते हैं। एक टाइम आता है जब वो लोग अपनी पहचान भूल जाते हैं धीरे धीरे करके, और उनकी जनरेशन जनरेशन और जनरेशन से आगे बढ़ते जाते हैं, और यही जनरेशन आगे जा करके तुमको हीरोज के नाम से दिखती है, क्योंकि ये कुछ इनह्यूमंस जो बच गए थे उन गॉड की फोर्सेस से बचने के लिए और ह्यूमन वर्ल्ड में मिल गए थे, उनकी पावर धीरे धीरे करके फिर से अवेकन होना शुरू हुई और यही तुमको गॉड्स दिखते हैं। अब इसमें जितने लोगों की ब्लड लाइन जो है इनह्यूमन ब्लड लाइन वो जितनी ज्यादा प्योर होगी उसके पास उतनी ज्यादा पावर होगी। सो यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि साइतामा एक ऑर्फन है, मतलब कि उसका ओरिजिन किसी को भी नहीं पता है, पर उसके मॉम डैड के बारे में ऐसे भी एनिमे में नहीं बताया है, सो अभी के लिए इतना ही मान लो। अब मैंने जो बोला कि साइतामा एक ऑर्फन है इस बात को आगे जाके ध्यान रखना। अब मैंने जैसे कि बताया था आपको कि सारे जो यूरोस है वो इनह्यूमन की ब्लड लाइन से बिलोंग करते हैं, जितनी पावरफुल उनकी ब्लड लाइन होगी उतना पावरफुल उनका पावर्स होगी, जाहिर सी बात है। ये इनह्यूमंस पहले अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखना चाहते थे, लेकिन क्योंकि ये उनकी पूरी कई सारी जनरेशन के बाद, उनकी कई सारी चीज़ों के बाद अब इतने घुल मिल गए हैं कि वो भूल गए हैं कि वो किस एक्चुअल ब्लड लाइन से बिलोंग करते हैं, कि वो इनह्यूमन ब्लड लाइन से बिलोंग करते हैं। लेकिन अब क्योंकि वो ये चीज़ भूल चुके हैं तो अब वो खुद को एक ह्यूमन समझते हैं, और जब ऐसा होने लगा कि एक फिनोमेना होने लगा कि बहुत सारे लोग एक साथ उनकी ब्लड लाइन को अवेकन करने लगे, तो इसके बारे में बात करेंगे कैसे वो लोग अवेकन कर पाए एक ही साथ में। कि अभी तक सब कुछ चल रहा था नॉर्मल, मतलब कोई भी अपोजिंग फोर्स नहीं थी, ना कि मॉन्स्टर एसोसिएशन और कुछ भी नहीं। फिर होता क्या है कि जो गॉड्स है अब वो लोग सोचते हैं कि दे डोंट नीड ह्यूमंस बिकॉज दे हैव अदर पर्सनैलिटी, और शायद
अदर थिंग्स टू डू अदर देन कीपिंग एन आई ऑन ह्यूमंस. सो वो सिंपली क्या करते हैं कि ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए मॉन्स्टर एसोसिएशन, या फिर मैं कहूँ एक तरीके से मॉन्स्टर एसोसिएशन को क्रिएट करते हैं बिहाइंड द सीन्स. एंड देन ये मॉन्स्टर एसोसिएशन वाले ह्यूमंस पे अटैक करना शुरू कर देते हैं. ऐसी सिचुएशन में होता क्या है, एक पोर्टल से या फिर मैं कहूँ एक नॉर्मल जगह से एक ऑर्फन लड़का दिखता है जिसका नाम है सायतामा. दरअसल उस वक्त उसके सर पे बाल होते हैं एंड देन वो धीरे धीरे करके बड़ा होता है अंटिल कि वो एक नौजवान व्यक्ति ना बन जाए और उसके पास तब भी बाल होते हैं. अब ये काले बालों वाला व्यक्ति जिसका नाम है सायतामा, दरअसल देखता है कि वो ही नहीं उसके आसपास के लोग जो है उनके पास भी पावर्स है, पर वो ये नहीं जानता कि वो सारी की सारी पावर्स उसकी वजह से ही अवेक हुई है. दरअसल होता क्या है कि इन ह्यूमंस जो है वो कुछ इन ह्यूमंस के पास अलग अलग टाइप की पावर्स थी. उन्हीं में से एक ह्यूमंस के पास पावर थी कि वो आगे फ्यूचर में जा सकता था. उन्हीं में से एक इनह्यूमन जो कि था सायतामा, उसने अपने आप को फ्यूचर में भेजा, लेकिन फॉर कॉम्प्लिकेशंस उसकी पावर के साथ में, बिकॉज वो कॉन्फ्लिक्ट में था गॉड के साथ में, तो वो एक बच्चे में ट्रांसफर हो गया और उसकी सारी की सारी याददाश्त भी चली गई. लेकिन क्योंकि वो प्योर ब्लड इनह्यूमन था, इसलिए जो बाकी वीक ब्लड वाले इनह्यूमंस थे उनकी पावर अवेकन होना शुरू हो गई सिर्फ उसकी प्रेजेंस की वजह से. इसीलिए तुमको हीरोज देखना मिलते हैं वन पंच मैन के अंदर जिनके पास अलग अलग टाइप की पावर्स है. वहीं पर सायतामा था वो इनह्यूमन ऑफ स्ट्रेंथ था, यानी कि उसके पास इनह्यूमन स्ट्रेंथ थी. और जैसे जैसे करके धीरे धीरे करके जो सारे इनह्यूमन्स हैं जिनके पास वीक ब्लड लाइन है वो अवेकन होना शुरू होते हैं सायतामा की वजह से. अब क्योंकि सायतामा एक प्योर ब्लड इनह्यूमन है और अपनी पावर्स को भी अच्छे से नहीं जानता, इसीलिए वो चाहे कितना ही वीक पंच क्यों ना मारे वो किसी को भी बड़े आराम से हरा सकता है. बट ये थ्योरी यहाँ पे तो एक्चुअली ख़त्म हो जाती है, बट ये कुछ लूप होल्स, बड़े बड़े लूप होल्स छोड़ जाती है. जैसे कि गॉड्स फिर अटैक करना क्यों शुरू कर देते हैं, क्या वन पंच मैन के अंदर एक ही गॉड्स है तो बाकी के गॉड्स का क्या हुआ. अगर सायतामा एक इनह्यूमन था तो क्या उसके पास इतनी पावर नहीं होगी कि क्या वो अपनी याददाश्त वापस ला सके. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है इस थ्योरी में. सो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस थ्योरी को थोड़ा सा कंप्लीट करने की कोशिश करो, या फिर खुद की एक थ्योरी भी दे सकते हो मन चाहिए, और बस कॉन्सेप्ट सही लगा देना भाई, ठीक है. लेकिन कॉन्सेप्ट सही बैठना चाहिए उसके अंदर. आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा. दिस वीडियो इज जस्ट फॉर फन और मेन स्टोरी लाइन पे कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस थ्योरी से, और ना ही मैं मेन स्टोरी की थ्योरी से कुछ भी उठा करके बोल रहा हूँ. ये बस वन पंच मैन का एक अल्टरनेट यूनिवर्स बता रहा है कि अगर यही वीडियो किसी अल्टरनेट यूनिवर्स में बन रहा होता तो वो कुछ और बोलता. मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय.